إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور مهدثاتها وكل مهدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا جاء جاءهم منذر منهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء نجيم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل ضاد بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون ويخوان ولودٍ وأصحاب الأيكد وقوم تنبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر تمام قسم التعريفات جملة حمد الثناء وخالق كائنات مالك أرض السماء كلها لائق الربا ہے کہ جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور خاطر بشمار दौरान और तमाम तो तो बरजदसला तस्लीम पर खसूसियत तो के साथ हमारे आख़री नबी हज़र महमद अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए हमें सही रहनमाई मिली गसूल जब्ता मिला जिन कानून मिला इस्लाम की रोशनी मिली जालों की तारीख़ी दूर हुई हजरात अभी हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो जल्दा का महीना है और ये अशर दिल्ली दस अयाम की जो फजीलतें हैं वो सिलसिला अभी चल रहा है इस दस अयाम की फजीलतें कुरान हदीस के अंदर जो बताई गई जहादी सभी से बढ़कर इन अयाम के अंदर अमर साले करने की तलकीन की गई वल वल अल्लाह वलयालिन अल्लाहबालमिन ने जहाँ फ़जर की कसम खाकर बयान किया वहीं पर दस रातों की भी कसम आलमी ने खा करके इसकी अहमियत को उजागर किया है कि दस रातें ऐसी हैं जिसके अंदर कसरत, अस्कार का एहतमाम होना चाहिए तस्वीर तहमीद नमाज़ खैरत यानी अमल साल नेकमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है लेकिन हम अपने समाज के जो मताल करते हैं तो कुरान की इस फजीलत एक तरफ़ हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने जहा फी सभी से बढ़ जिस अमल को बयान किया था आज हम समाज के हालात का मतलब करते हैं खा नौजवान हो बूढ़े हों औरतें हो मर्द खुवात हो सबों के ज़बान पर तस्वीर तहमीद का तस्करा अभी नज़र नहीं आता यानी कि लगता ही नहीं है कि महीना फजीलत वाला महीना है यह हरमत व अदब का महीना है चार महीने जो हरमत व अदब के हैं उसमें यह हरमत तो अदब में से चौथा महीने जो है और पहला मुहर्रम है जो पहले बताया गया आप लोगों को खसूसियत के साथ इस दस अयाम की जो फजीलतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन अमल फीहिन्न हब इलल्लाह अल अमल सालेह वल जिहाद फी सबीलिल्लाह قال قال الجهاد في سبيل الله قال نعم ولا الجهاد في سبيل الله الا خرج बे ही सही माल ही हतम मुझे शरीफ करवाए थे अल्लाह के नबी सल वसम ने शाह फरमाया कि मैं मिनफ़ी मिन अमलिन फ़ी हम कि सयाम के अंदर इन दस दिनों के अंदर दस रातों के अंदर पहली जहाँ से लेकर दस के दसवीं दसवींजा तक अल्लाह रबालमी के नज़दीक इनके किए हुए अमाल जिहाद फी सभी से भी सभी महबूब अमल है और जिहाद भी सभी के दर्जा आप जानते हैं वो आदमी जो दीन के खातिर इस्लाम के बका के खातिर अपने रास्ते घर दरबार सबको छोड़ कर के अल्लाह के रास्ते में निकलता है और वह जिहाद करता है वो जिहाद की अहमियत और इस दस सियाम की अहमियत उससे भी बढ़ कर आलमीन ने बयान किया जो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं रब्बुल आलमीन को इस दस अयाम के अमाल इतने ज़्यादा महबूब है कि जहाद फिर सभी भी नहीं साहबा ने पूछा अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जिहादी सभी जिहादिर सभी से बढ़कर भी अमल है आपने कहा हाँ वो किन वे नब व वमाल ही अतलम अर्जे लेकिन वो मुजाहिद जो अपने जान माल को कुर्बान करता हुआ निकल गया अल्लाह के रास्ते में और फिर दोबारा घर वापसी उसकी नहीं हुई यानी घर पे वो नहीं लौट के आया है तो ये इससे बेहतर है यानी दस्याब के अमलों से ज़्यादा बेहतर कि वह शहादत को पा लिया और शहीद का दर्जा बुलंद हुआ करता है और हम शहादत नहीं पाते हैं हमें जिहाद का मौका नहीं मिल रहा है हमारे लिए खुशखबरी है पैगाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया इसके अंदर कसरे तस्किरा तस्वीर का एतमाम किया करो यानी कसरे से अल्लाह के जिक्र ए उनकी दुआएं इस्तगफार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्ला वलिल्लाह इस इज्दा सयाम के अंदर कसरत से आपको इसका इबाद करना है चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जब नींद नहीं आ जातीए बिस्तर पर जाइए तेरा तो आलमी की तस्वीर तहवीर में लग जाइए रास्ते में चल रहे हैं दरवाज़ों में बैठे हुए हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों अपने आप को ज़ुबान पर लगाम लगा करके गीमा शिकवा से परहेज़ करते हुए बुरी बातों से परहेज़ करते हुए इस दस अयाम आलमी की तस्वीर तहमीद कर लो क्योंकि हमले साल याम के फजी हैं कि जी हाफ़िर से, से पढ़ कर आपको सवा मिलेगा नहीं आज हम समाज समाज के लोगों का मताला करते हैं जिस दरवाज़े में जाइए जहाँ जाइए खा मस्जिद हो मस्जिद के बाहर हो दरवाज़ों पर हो घरों में आते मोबाइल के वक्त तस्वीर तहमीर तो दूर की बात है अल्लाह के नाम लेना भी मुश्किल हो चुका है अल्लाह के असकार करना तो दूर की बात है महजन की आवाज़ पर लबाग कहना भी बहुत वही बात हो चुकी अफसोस की बात है हालांकि माजरीन की आवाज़ पर हजी की आवाज़ पर जितने भी सामी नाम होते हैं सब मस्जिद का रुख करना जायज है अजान होने के बाद काम धंधा सब कुछ तर कर देना है कारोबार सारों को बंद कर देना है और माजरन की आवाज़ पर रब्बे कहते हुए मस्जिद में हाजिरी देनी है उसकी भी कोई अहमियत नहीं है अजान होने के बाद भी मोबाइल में लगा इंसान हुआ है गाने सुन रहा है बयान कर रहे हैं चौरा पर काश इन मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने सामने रखा होता तीस सयाम दस सयाम की अहमियत को समझ तो करके असार में अपने जुबान का इस्तेमाल किया होता लेकिन हम उस जबान से गाली दे रहे हैं अजान होने के बाद हम गाली देते हैं अजान होने के बाद भी हम गीबत शिकायत में लगे हैं एक दूसरे नुक़त चीनी में लगे हुए हैं पता ही नहीं कियाम की क्या फजलत है पता ही नहीं है कि अजान की क्या फजलत है मस्जिद में जानिया नहीं क्योंकि हमने नमाज़ का तस्वूर अपने वह गुमान से निकाल दिया है हमने ये समझ लिया है क्योंकि बड़े दूर से सफ़र करके आ रहे हैं रातों रात गाड़ियाँ हर गाँव में आ रही है दिल्ली, बम्बे से लोगों की आमद है आइए ज़रूर आइए अपने माँ बाप भी बच्चों के साथ कुरबानी के अहतमाम कीजिए लेकिन नीयत खालिश रख लीजिए कि नियाँ जब तक अल्लाह की रजामंदी नहीं होगी आपके ये सफर करना आपका माल का खर्च करना जानवर की कुर्बानी करना काबिल कबूल नहीं हो सकता है जब तक तो आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे कुरान नातिक हैं इन आती ना कल कौ सर ए नबी हमने आपके हौसे कौ सर अता किया है जो किसी दूसरे नबी को मैसर होने वाला नहीं है वो जाम अल्लाह के नबी पर आएंगे अपने उम्मतियों को नैक बुजुर्ग नेक मर्द ख़वात मर्द औरतों को ज नेकी के दामन को लेकर गए होंगे नेकियों के नैकी के अमाल करके गए होंगे और के बिदा से इन्ह किया होगा के बिदा से परहेज़ करते हुए अमले साले किए होंगे तो यकी के नबी सल्हलम अपने हाथ से जाम कौसर पिलाएँगे ये सबसे बड़ी खुशबरी नबी के लिए हमारी अपने नबी की उम्मियों के लिए यानी हमारे और आप लिए है कि हम नेक अमल करें अल्लाह की आवाज़ पर रब कहते हुए हाज़री दें और नमाज पढ़े फसल के नबी आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए हमने कहा नहीं नहीं नमाज हम नहीं पढ़ेंगे हमने पचास हजार के जानवर खरीदा हुआ है बड़ा मोटा ताज़ा हमने खसी खरीद लिया और समाज में दिखा फिर रहे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल लें हमारा दस लाख के जानवर हैं पचास हज़ार के जानवर हैं बड़ी खुशब में मुबतला है यकीन आपकी ये नीयत है पचास करोड़ का भी जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दीजिए और नमाज के रागी नहीं है लिख लीजिए मसला फतवा जो नमाजी नहीं है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है प्लस रिकारी है जानवर के खरीदो फरोख के अंदर शोरत रि कारी है तो यकीन रियाकारी सारे के सारे अमल बर्बाद होते हैं फसल ले रब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए इन सलाती वनुस्याया वहमीन नबीसम आप कह दीजिए बेश मेरी नमाज पहले नमाज यहाँ भी है फसल ले, वहाँ भी नमाज है इन सलाती व उसकी यहाँ भी नमाज है दोनों आयत के अंदर पहले नमाज बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी ली रबीआलमीन अल्लाह रबीआलमीन के लिए है मेरी जिंदगी मेरी मौत अल्लाह के लिए है आप जरा मुहासवा कीजिए कितने नौजवान हैं, बूढ़े हैं जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वकीय है और आपने अपनी जिंदगी को वकी अल्लाह के लिए तो मस्जिद इमरान नहीं होती मस्जिद में पंजोत नमाज की अदाई होती कुरान की तलावत होती घर के अंदर आपकी कुरान की तलावत होती आज तो मोबाइल के जमाना है तो ताकों में सजा के रखा हुआ है मोबाइल है नींद टूटते ही मोबाइल पखर मोबाइल खाने मोबाइल बस व्हाट्सएप ग्रुप चैटिंग इंस्टाग्राम पता नहीं किया के बच्चे तो हुए। से हैं। नहीं है ये छोटे से बच्चे जो चला रहे हैं उनको ज्यादा इल्म है, है हमने दे दिया रास्ता कि जाओ दीन दुनिया से बर्बाद कर लो आग बर्बाद कर लो दीन से कोई मतलब नहीं है नाच गाने में लगे रहो हमने अंग्रेजों की गुलामी शुरू कर दी है हमने बच्चों को मोबाइल थमा दिया बेटियों को मोबाइल थमा दिया सारे घर वालों को मोबाइल थमा दिया उनके जुबान पर इस गुना नजर नहीं आते उनके कानों के अंदर कुरान की तलावतें सुनने की तौफीक नहीं हो रही है न सुनने की न सुनाने की तौफीक हो रही है हम तो दिन न लगे हैं हाथ से गुनाह कर रहे हैं टिप टाप करके गाने से गुनाह काम से कर रहे हैं आँख से देख करके हम गुनाह कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नबीम ने फरमाया था जनल आयिन नज़र आँखों से बुरी चीजों का देखना आँख का जिना करना बुरी चीजों को देखना है हम फिल्म ही देखते हैं नहीं नहीं तस्वीरें देख रहे हैं मोबाइल के अंदर तो आप आँख से जिना कर रहे हैं गंदी फिल्मों के गाने सुन रहे हैं कान के अंदर आप उस कान के जरिए से जिना कर रहे हैं आदमी आँख कान हाथ सब जिना करता है लेकिन शरंगा उसकी तस्दीक करती है यानी तकजीब करती है आज हमने और शर्मगा से तस्दीक तस्दीक को बचा लिया तो कर लेकिन कान से आँख से हाथ से सारे सब जना के सदूर अपने आप कर रहे हैं अफसोस की बात है कि दस सयाम के अंदर बब आदमी ने कहा कसरत अल्लाह अकर्लाह अकबर ला व्ल् अकबर अल्लाह अकबर के तस्करा होना चाहिए हमारी जुबान में हर वो जहाँ फारिग हूँ इन करमात का विध किया करें और उसके बाद दसियाम की फिलतें जब हासिल कर लेते हैं तो फसल ने ईदगाह के अंदर नमाज अदा कीजिए वो क़ुरबानी पेश किया कीजिए अब क़ुरबानी के मकबूलीत की भी शरात हैं वो जानवर अगर दस हज़ार का नहीं पाँच हज़ार का ही छः हज़ार के जानवर है पैसा नहीं है ज़्यादा आपने उसी पैसे हलाल तरीके से हासिल किया इस हलाल माल को छोटे से जानवर में भी इस्तेमाल अल्लाह मेरे पास उतनी उसत नहीं थी पचास हज़ार जानवर खरीदने का मैंने पाँच से दस हज़ार के अंदर के मीडियम साइज का ये जानवर खरीदा है मह तेरी रजा के लिए तेरी खुशनुदी के लिए मैं जानवर को इस्माइल के खादी जो इब्राहिम इब्राहीमत वसलाम ने अपने इस्माइल को रब की रजा के लिए कुर्बान किया था ये अल्लाह मेरी भी यही ख्वाहिश है मेरी भी तमन्ना अर्जी यही है कि हम तेरे रास्ते में बेटे की जगह पर अपने जान महबूब जानों के मैं कुर्बान कर रहा तो कबुल फरमा लें यकीन आपका हलाल माँ का तेरी जानवर ख़रीदा होगा अल्लाह की रजा के लिए आप कुरबानी करते हैं इन शह यही काबिल कबूल होने को है लेकिन वही माल पंद्रह हज़ार बीस हज़ार शोर के लिए खरीदा है दस जानवर खरीद लिए हराम माल के जरिए से खरीद लिया यकीन जानिए कि उस हराम माल से खरीदे हुए जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है मुखल सीर खुलूस दिल से नहीं खरीदा है और मुखलिस वही होगा खुलूस दिल से कुर्बानी वही करेगा जो मंदिर साहब नमाज़ी होगा जिस बंदे की जुबान गिबर शिकवा शिकायत गंदी बातों से से मुआवजत की होगी जिस बंदे ने जो नेक कुकार होगा परहिज़गार होगा मुति परहेजगार होगा उसके निकले माल जो हलाल तरीके से होंगे यकीन उनकी ही होगी होगी रबालमीन काबिल कर ले क्योंकि शराय हैं सारे अमलों के अंदर जब जितने खलूस ना हो अल्लाह की रजा मकसूद नहीं हो वो काबिल कबूल होने को नहीं है सल्ला युराई फ़कत अश मन सम युराई फ़कत अश मन तसद युराई फ़कत अश जिसने दिखलावे के लिए नमाज़ अदा की उसने शिर किया जिसने दिखलावे के लिए रोज़ा रखा और सद खराग जब उसने शिर किया सारे अमलों का सदूर जो हो खलूस लाइत के साथ इन शह वही काबिल कबूल हैं हम अलहमदिल्लाम लौटे हैं बाहर से भी आए हैं या सिर्फ यह मकसद है आपके आने का कि घर में चलेंगे बाल बच्चे के साथ जबर कर लेंगे गोश्त खा लेंगे कुर्बानी कर लेंगे खुशी बना लेंगे आपका आना जाना कोई फ़ायदा मंद नहीं है क्योंकि पहले नमाज की अदाई होनी चाहिए फसल पहले नमाज पढ़िए इसलिए वक्त है ऐसा नहीं कि अब तो चार दिन पढ़ लिया फिर इसके बाद खलास नहीं मोमिन अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज तर्क नहीं कर सकता तारीख उठा कर दिए साहब कराम का वो अब्दुल्ला पहले भी थे अब्दुलरमान पहले भी थे इस्लाम कबूल करने से पहले वही अब्दुलरहमान थे जो नबी की मखालबत में इस्लाम की मखालबत में तलवारें चलाया करते थे नबी के जान के लाले पड़ गए साहब ग्राम कमर किया सारे काम किए अब्दुलरहमान वही जिसे इस्लाम को नहीं समझा कल में तयबा को नहीं समझा था सारा कुछुर, सारे कसूर कर रहे थे सारे गुनाह कर रहे थे नहीं जिस दिन कलमे के मफहम को समझ लिया कि ला अल्लाह मोहम्मद रसोल्ला के अल्लाह के सवा कोई महबदलक नहीं है और मोहम्मद अलैहि वसल्लम हमारा रसूल है नहीं कि अल्लाह की वदानियत रसूल की रसालत की इकरार कर लिया और उसके बाद उस बंदे से कभी भी जिंदगी में कभी भी एक बहुत की नमाज की तर्कने की एक बहुत नमाज तर्क करने की जरूरत नहीं हुई है वो सब ईमान थे उन्होंने इस तौहीद रसालत को समझा था और हमने नहीं समझा हुआ है कि अल्लाह की अदान इतबादत क्या चीज़ है रसूल की रसालत क्या चीज़ है हमने अब्दुलरहमान नाम रखा है अब्दुल मजीद अब्दुल हकीम सारे नाम हैं हमारे चेहरे से भी गायब इस्लाम खाने पीने से इस्लाम गायब उड़ना बिछोना सब हमने गैरों का उठा लिया हमने नबी की सीरत सूरत को नहीं उठाया अरे मुसलमान इस शुरू ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लम को सवार नमूना को उठा ले अपनी ज़िंदगी नाफिज कर ले इन श्ला दुनिया की कोई ताक़त उसे मकलूब नहीं कर सकती है नहीं दबा सकती है आज हम दबाए जा रहे हैं इसकी वजह यह है कि हमारे दिलों से ईमान निकल चुका तभी गायब है रिसालत का पैमाना गायब है और नबी की सीरत और सूरत के सबका महकूद हो चेगा हो चुका है फ़गदान हो चुका है जो इस बात की है जिस कुर्बानी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें देखिए है, पहले तो नमाज़ की अदाई कीजिए मैं बारह जब भी आता आदता नमाज के तलकिन कर रहा हूँ शायद भी आपने मस्जिद का आबाद किया है या नहीं किया है मैं हफ्ता दिन तो नहीं देखता और आपने नहीं किया है अभी तक तो सबसे बड़े मुजरिम है इस इसलिए ज़मीन पर अंदर और इस इसलिए ज़मीन पर रहने का आपका कोई हक़ नहीं है कोई हक़ नहीं है अल्लाह की ज़मीन पर इस मस्जिद का आबाद करने के बाद पंज व नमाज की अदायगी बिलजमात नहीं हो रही है तो कोई फायदा नहीं है इस मस्जिद को आबाद करके नहीं तमिल करने का मैंने पहले भी इशारा दिया था किसी तो तम हद करें इस्लाम में जुमा की खुदसूस अहमियत नहीं है किसी जुमा पढ़ लो ईद की नमाज़ पढ़ लो बकरीद की नमाज पढ़ लो मुसलमान के हलाल हो गए हर किस जरगी नहीं मेरे भाइयों इस्लाम में मुतालबा है बोल इस्लाम शहादत इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है कल में शहादत नंबर एक दूसरे नमाज क्या नमाज को कायम करना जगत अदा करना हज करना इस्तात के बाद रमजान का रोज़ा रखना लिहाजा इतनी तादाद माशा देकर भी खुशी हो रही है और हर बस्ती के अंदर है बाहर से आने वाले आ रहे हैं इस बुनियाद पर कि हम कुर्बानी करेंगे बच्चों के साथ ईद बनाएंगे बनाइए लेकिन नमाज भी तो पढ़िए इस मस्जिद को कौन ही आबाद करेगा जिन्त आएगा फरिश्ते तो नहीं आ सकते हैं अब आते हैं फरिश्ते अपने घूमते हैं चले जाते काम करके जिन्हात भी आते हैं नमाज में चले जाते लेकिन आपकी मस्जिद वीरान है आपकी पूछोगी अल्लाह तब से पूछेगा बताओ इतनी बड़ी मस्जिद तामीर कर दिया पैसा खर्च कर करके तुमने अल्लाह के रास्ते में अपने आप की जानवर की कुर्बानी के लिए तो दस हजार बीस हजार खर्ची तो कर दिए माल की कुर्बानी तो पेश कर दिए वक्त की कुर्बानी क्यों नहीं पेश की आपसे मुतालबा है वक्त की कुर्बानी देना पहले वक्त की कुर्बानी बाद में अपने जान माल की कुर्बानी तो जान कुर्बानी देने की बात आएगी तो ठाकर हम रास्ता ले लेंगे कोई हम पर चढ़ाई कर दे इतना ईमान कमज़ोर है कि हम गली से निकल के भागते चले जाएंगे हुआ है ऐसा हो भी रहा इसलिए ईमान मजबूत होगा हमले साले मजबूत हो जागा कह मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन मैं मगरूब होकर भागने वाला मुसलमान नहीं हूँ तो ये आज अक्सरियत ऐसे ही है, है। मर हाल जिस कुर्बानी की तैयारी की है कर रहे हैं कीजिए लेकिन पहले नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए और कुर्बानी हलाल तरीक़े से हलाल जानवर लाइए और सुन्नत के अतबार से कुर्बानी किया कीजिए वह की कल्लत है इधर घड़ी भी नहीं है बरियाल मसला यह है अभी सवाल हुआ हमसे कि समाज में रिमर फैलाया गया कि भाई जिसके नाम का अकीगा नहीं उसके नाम की कुर्बानी मसायल तो बहुत सारे जिसके नाम का अकीदा नहीं है नहीं किया है उसके नाम की कुर्बानी होगी या नहीं, हो नहीं। बहुत सारे मुफ्ती फतवा दे रहे हैं अदिया भी है कि तुम्हारा अकीगा नहीं है तुम गिरवी लटके हुए हो तुम्हारी कुर्बानी कैसे होगी अस्तगफुरुल्लाह कुर्बानी मशरू है सुन्नत है फ़र्द वाजिब नहीं है अकीकत सुन्नत है बाप के पास ताकत नहीं थी पैसा नहीं था जानवर कुर्बान नहीं किया कियाक़ा नहीं किया मुकलम नहीं है इंसान हमारे पास पैसा नहीं है हम कुर्बानी नहीं करेंगे अल्लाह ताला नहीं पूछेगा नमाज के बारे में पूछेगा बीमार हो मुसीबत जद हो जाओ जिस साल में हो हकीका जिसका नहीं है उसकी तरह कुर्बानी दुरुस्त है कोई रुकावट नहीं हकीक़ा की कुरबानी के अंदर हकीक़े क्या इसे कोई लेना देना नहीं है वो सातवें दिन है उसके लिए गार्जियन ने नहीं किया क्या मजबूरी थी वो जानता है हम अपने गार्जियन की हसीियत से अपने बाल बच्चे कुर्बानी हकीक़ा करें सातवें दिन हदीस के रोशनी में वो साल में ज़िंदगी में क्या मसला नहीं है दुरुस्त एक और मसला है कि भाई मुर्दे तरफ़ कुर्बानी है सारे मसाल तो इसी अशर में पूछे जाते हैं और जब जानवर खरीद लेंगे एक सवाल और आता है दरवाज़ा पर हमारा खस्सी है एक साल का हो गया है हम कुर्बानी कर सकते हैं नहीं बहुत सारे लोग करते हैं करवाते हैं भी हाँ तुम्हारे दरवाज़ा पर है ना पोस्ट पाल के रखा खिदमत किया खिलाया है जवान किया है एक साल का हो गया ना तुम कुर्बानी करो ला ल तजिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जवा मत करो मगर मुसन्ना मुसीना का मतलब दो दांत आग के आगे के जो दांत होते हैं ये चौड़ा वाला जो नीचे आप देखते हैं उस दांत का टूट के गिर जाना अपने से तोड़ना नहीं तोड़ तोड़ के भेज देते हैं ना ध्यान रखिएगा खरीदते वक्त बड़ी दाँत ये ईमान ही नहीं है कसाई के बाद ऐसे ही ईमान नहीं होता है बहुत कम में बेस्ट माफ कीजिए जो कसाई हो तो मैंने बाजार में कई शिकायतें मिली दांत तोड़ के जब दो हफ्ता पहले दाँत तोड़ दिया के बेच ये खरीद नहीं हुआ देखा दाँत टूटा है वो जम जाएगा ये जम गया है नहीं मसीना दरवाजे अगर नहीं जानते हैं तो फभी अल्लाह बेहतर जाने आप जहाँ से खरीद रहे हैं दरवाजे से देखिए दाँत टूटा है या नहीं टूटा है जमा है कि नहीं टूटा हुआ ना शर्त है अगर जानवर साल भर का भी है तो दुरुस्त नहीं है चौदह महीने का भी है पंद्रह महीने का भी है दांत नहीं टूटा है उसे कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला तजब हो तुम ज़बा मत करो इल्ला मगर मुसन्ना दो दांत का साल वाले की कोई कैद नहीं है एक रवायत है जिसकी वजह से लोगों ने इस्ते करके मसला बयान कर दिया और इस रवायत की तस्वीर मैंने कल रात में में बताया था लोगों को कि जिस रवायत से लोग इसल करते हैं मसला यह है एक सहाबिया रसूल कुर्बानी के जानवर रखे तैयार करके और चाँद दसवीं रात दसवीं दिल्ली जा की रात जो ख़त्म हुई इन नौकी दसवीं सुबह फजर की नमाज़ से पहले उन्हें नियत कर ली कि आज हम नबी अलैहि वसल्लम को कुर्बानी के जानवर पहले कुर्बानी करके हम नबी सल्ला दावा दे कर खिला लेंगे यानी नबी के खिलानी की मोहब्बत में दता हुआ जानवर साहब ने ज़बर कर दिया फजर की नमाज़ से पहले ईद की नमाज़ से कबल फैसल की नमाज़ से पहले ज़बर कर दिया खाना उन्हें तैयार कर दिया तैयार करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए नमाज़ के बाद नमाज के अल्लाह के, के नबी वसल्ल्लम खाइए बैठे देखा कि गोश्त है पूछा कि गोश्त कैसा है कहा कि अल्ला नबी वसल्लम मेरे पास जानवर था कुर्बानी का मैंने इस नीयत से कुर्बानी कर दी कि मैं आपको सबसे पहले दावत कर सकूँ अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं हुई अल्लाह को यह कबूल नहीं हुआ यह कुर्बानी कबूल नहीं की गई क्योंकि नमाज से कबल कुर्बानी जायज़ नहीं है कहा दूसरा जानवर ज़बा करो कहा अल्लाह के मेरे पास कुछ नहीं है अब कोई दूसरा जानवर नहीं है कहा कि एक जानवर है जो एक भी इसका दांत नहीं टूटा है लेकिन साल भर के करीब होने को है या साल भर का दता हुआ नहीं है तो आप सल्लाम कहा लेकर ले के आओ आपने कहा कि इसको ज़बह करो और ये कुर्बानी तुम अल्लाह के लिए करो इसको क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है तुम कुर्बान कर दो फिर दोबारा उन्होंने ज़ँ किया तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया याद कर लीजिए जुमला आप सल्लाम ने कहा कि तुम इसके बाद दोबारा ऐसा मत करना कि साल भर के जानवर को कुर्बान कर देना अब इसी रवायत से इजलाह करते हुए मौलियों ने मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि साल भर के बाद क्या हुआ नहीं था कि नबी ने कुर्बान करवा दिया कुर्बानी करवा दी वे साहबी रसूल थे तो हम भी कर दें मसल हमत और जो वजह होती है असबाब होते हैं सबको देखने की जरूरत है उसी तरीके से हैं। मुर्दे मुर्दे मुदे की तरफ़ कुरबानी का मसला भी है अहम मसला है क्योंकि वक्त नहीं है इंशाल्लाह फिर खुतबा में क्या होगा नहीं होगा कौन आएंगे क्या करेंगे बातें बहुत सारी रह गई निशानदेही के तौर पर जगह आपने नीयत की कुर्बानी के, के आखिरी मसाल थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए कि मुर्दे की तरफ कुर्बानी है नहीं थोड़ा लोग करते हैं ना एक हिस्से अपने नाम से एक हिस्से बाप के नाम से अम्मी के नाम से अब्बा के नाम से भैया के नाम से क्यों ज़्यादा हम नहीं जानवा कर सकते हैं तो एक अपने नाम से करो एक मुर्दे के नाम से करके मुर्दे का सवाब पहुंचाना है मैंने पहले भी कहा ट्रांसफ़र सवाब का नहीं किया जा सकता किसी भी सवाब या किसी भी अमल को बरेलियों की तरह हम नहीं है कुरान खानी ट्रांसफर कर रहे हैं कुरबानी बाबा के नाम कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं यह सब कुरबानी जायज़ ही नहीं मनसबिल्ल ला, लान्ला की लानत है जो गरीुल्लह के लिए जबा करता है तफसील बात हो जाएगी आप कुर्बानी कीजिए अपने नाम से कीजिए अपने बीवी के की नाम से कीजिए भाई के की नाम से कीजिए ज़िंदा है बाप के की नाम से कीजिए बेटे के की नाम से कीजिए जवान बेटा है लेकिन मरे हुए की तरह कुर्बानी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी रवायत नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम अपनी ज़िंदगी में है तो हमजा शहीद हुए थे आपने हमजा के नाम से किया हो बीवी शहीद कर मौत हो गई बेटियों का इंतकाल हुआ कि और बहुत सारे साहब आते किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ़ से अपने माँ बाप की तरफ से एक दादा की तरफ से क़ुरानी नहीं कोई रवायत नहीं और एक रवायत है अल्लाह मतकबल मसल शरीफ की अल्लाह में तकबलमिन हाजा वम अमिन उम्म थी अल्लाह के नबी वसल्लम ने दो मेठे जानवर किए क़ुरबानी और उसमें क्या तकबल मनी व तकबलमिन आल उम्मत वाल मोहम्मद क्या मेरे तरफ से क़ुरबानी को कबुल फरमा ले और एक उम्म की तरफ से उम्म का जब जुमला इस्तेमाल किया समय ने फतवा देना शुरू कर दिया कि नहीं उम्मत से मुराद जिंदा मुर्दा दोनों शामिल है मुर्दे के भी शामिल कर लो इस्तेदलाल यहाँ भी गलत है दलाल सब के पास होते हैं इस्तेदलाल दलाल का फेर होता है तुम तो उसकी उसी रवायत जहाँ बखारी शरीफ की रवायत है मुस्लिम शरीफ की रवायत है वहीं पर हाब हजर रहमुल्ला शरीफ के शेरा करने वाले उन्होंने इवाल गलील के अंदर उम्म मिन उम्मत महम्म से मुराद यज मिन उम्मती उनकी तरह से अपनी कुर्बानी की जो अपने दौर में कुर्बानी करने के लायक नहीं थे उम्मत वो खस नबी सल्हलम ये नबी अलैहि वसम के लिए ऐसा करने जाए था लजुजिलहद अब किसी के लिए जायज़ नहीं है कि मुर्दे की तरफ कुरबानी करें अदरमान मारकपुर शकुलदीत उन्होंने कहा कि मरफून हमने सही मरफू हदीस एक भी नहीं पाई जो मुर्दे की कुरबानी के मसले पर जवाब कर रहा इशतल है बहरहाल हजामसानदम तीन चीज़ें मरने के बाद जो पहुँचती हैं उसद केजारिया है और नेकद की दुआएँ सारा अमल के दरवाज़ा बंद हो जाता है बहुत सारी बातें इन हालात के पेश नजर अगर आपने नीयत की है माँ बाप की तरफ से उनका अमल उनके साथ है उनके लिए दुआएँ कीजिए नमाज़ पढ़िए उनके लिए जन्नत जहन्नम की दुआएं की जन्नत से बचाने और जन्नत की उसलियाबी की दुआएं करें कबर के अज़ाब की मुआवजे की दुआएं करें उनकी नेकियों के इजाफे की दुआएं करें नेक नक औलाद की दुआएं पहुंचेंगी दुआ तो हम नहीं करते बाप के लिए माँ के लिए दुआ नहीं करते नवाज ही नहीं पढ़ते रबनफिली वाले बोले वाले कौन पढ़ेगा नहीं अरबी जानते हैं जुबान से ये अल्लाह ये परवरदिगार आलम ये हमारे माँ बाप है इस तरह तो रहम करना कर बिर कमारा भैया ये परवरिग्यारे आलम हमारे माँ बाप पर तुम रहम कर इस तरीके जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन ही मुझ पर रहम किया था और हम उसी सूरत में करेंगे जब हम नमाज ही बनेंगे नमाज़ पढ़ेंगे रब वाले वाले वाली कि हम तस्करा करेंगे ये अल्लाह मेरे वालदे को तो दीजिए हम नमाज़ तो पढ़ते नहीं हैं अपने माँ बाप के लिए दुआ करते नहीं हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा दुआ नेक सल औलाद की दुआ मरने के बाद तुम्हारे हक पहुँचा करेंगी और आप सच्चे मुतबे परहेजगार आप हैं माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत है अपने मुरे मरे हुए लोगों से ज़्यादा मोहब्बत है आइए सदा रेज हुए अपने माँ बाप के लिए सदे में गिर दुआ कीजिए ला मेरे वालदेन पर हम फरमा दे मेरे वदेन की मफरत कर दे मेरी अम्मी को माफ़ कर दे मेरी अम्मी की कबर को नूर से भर दे मेरे वालदेन को जन्नत के जो फिर जगह दे दे ये मिलेगा यह ये पहुंचेगी दुआएं अल्लाहबी के सामने और दुआएं मकबूल होगी लेकिन हम नहीं करते हैं ये दुआएं खाली कुरबानी करते हैं। चार हिस्सा पांच हिस्सा गोश्त खाने के लिए कौली ने सलाह दी उन्होंने अल्लाह के नबी नबीमा वोला दिमाग हुआ तकवा तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह के नहीं पहुँचता इला भी तक तकवा पहुंचता है तकवा की साहित पैदा की है हर इबादत के तकवा के मुतालबा है नमाज़ हो रोज़ा हो सदरा तो हज हो कुर्बानी हो नगर न्याज हो दुआएँ हो सब के तकवा की साहित हो जाएगी जब मत होंगे परेजगार होंगे निकली हुई ज़ुबान से दुआएँ हमारी निकलेगी इन श्ला इन शबालमी की बरगाह में मकबूल है नर तकवा नहीं है परेजगार नहीं है दिखावा है रारी है सैकड़ों जानवर कुरबान कर डालिए ये काबिल कबूल है कि नहीं बहरहाल वजत है इनशाला मौका मिला और ख़ुब ईद का अहतमाम आप लोग करेंगे अगर मौका मिला मुझे आने की तोफ़ी अल्लाह की तरफ मिलेगी इन शह तो मज़ीद बातें उसके अंदर होगी क़ुरबानी के और भी फ़ायल मसाइल हैं तरीके हैं वाकियात हैं इन शबिला से दुआ करते हैं कि बरल तमाम सामीन वसामियात को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी ना लें बार तमाम लोगों की नमाज़ कर्बानी कौल फरमा लें बार हमसे चलते फिरते उठते बैठते जो तस्करा करने का हैदी इसके अंदर दस्याम के अंदर कुलाइल-अल्हम्द, और भी तस्वीर तहमीद के अस्कार हैं पढ़ा कीजिए रबालमीम हम सबको हर गिर शिकवा शिकायत बचते हुए अपने रिजा के लिए अपने खुशनुदी के लिए तस्वीर तहमीद करने की तोहफ़े गिर माँ आमिर वामबीन बारिक्लम नफ़ानी إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يهدكم لعلكم تذكرون نذكر الله يذكركم ويستغفر لكم ولا يذكر الله تعالى ولا جل محمد وعز اكبر